फिजिक्स के लाइफ चैप्टर का पार्ट 3। ये दोनों क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, जिसको एक बार समझ लोगे तो मरते दम तक नहीं भूलोगे। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो स्रोत का अर्थ क्या होता है बोलो, खजाना होता है ना, कहता है उसके पास रुपया का स्रोत है, यानी खजाना है एक तरह से। पानी का स्रोत यानी पानी का खजाना, समुद्र है ना, नदी भी है, चापाकल है, सब कुछ है। समझ रहे हो बात को, स्रोत का अर्थ। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस पिंड से प्रकाश निकलता है, प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उस पिंड को प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब तुम ही लोग बतलाओ किस पिंड से प्रकाश निकलता है। सूरज निकलता है नीचे, चंद्रमा बोल सकते हैं, नहीं, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य की किरणें, देखो चंद्रमा चमकीला क्यों दिखाई देता है, मान लो ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। सूर्य को छोड़कर कोई भी ऐसा उपग्रह, सॉरी, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। याद रहेगी बात, प्लैनेट दो शब्द होता है, एक ग्रह और दूसरा उपग्रह। तो ग्रह प्लैनेट उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, बुध ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसके बाद आ जाओ शुक्र, बृहस्पति, शनि, सबका एक क्रम है, सूर्य से कौन कितना दूर है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है तो मरकरी, दूसरा वेनस, ये सब ज्योग्राफी में बतलाएंगे। फिलहाल ये जानो जो सूर्य को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं उनके पास अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य के पास है। तो सूर्य से अब चंद्रमा चमकीला कैसे दिखाई देता है, तो सूर्य से तो डिफरेंट डायरेक्शन में ना, विभिन्न दिशा में ना प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो इस ढंग से मान लो ये प्रकाश की किरणें सीधी सरल रेखा में गमन करती है, बताया है ना। तो सूर्य से निकलने वाली चारों ओर जो किरणें होती हैं, तो मान लो बहुत सारी किरणें सूर्य से निकलती है तो चंद्रमा से टकराती है, और चंद्रमा से टकरा करके ये पृथ्वी पर आती है। तो पृथ्वी पर आती है, तो यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो ऐसे लगेगा ये प्रकाश की किरणें चंद्रमा से आ रही है, जो कि सही बात नहीं है। सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी से जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो ये परावर्तित किरणें, टकराकर आने वाली किरणों का नाम है परावर्तित किरण, समझा ना। ये आगे जस्ट आगे में ये सब है, परावर्तन ही चैप्टर है। तो सूर्य से निकलने वाली किरणें चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वीवासी जब चंद्रमा को देखता है तो ये आती हुई किरणों के कारण ऐसा लगता है जो चंद्रमा से रोशनी आ रही है, और इसलिए चंद्रमा हमें चमकीली दिखाई देता है। समझ गया, चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है। तो जिस स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उस स्रोत को हम लोग प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स कहते हैं।
तो अब सवाल है क्या सूर्य से ही रोशनी निकलती है? बोलो तो सूर्य प्रकाश का स्रोत हो गया। जिस स्रोत से प्रकाश की किरणें अर्थात प्रकाश निकलता है उस स्रोत को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य और उदाहरण बोलो ना तारे टिमटिमाते हैं, तारे के पास अपनी रोशनी है तो तारा भी प्रकाश स्रोत हो गया। और बोलो अभी तुम लोग बल्ब की रोशनी में पढ़ रहे हो, ये जलता हुआ बल्ब प्रकाश का स्रोत कहलाएगा क्योंकि इससे प्रकाश की किरणें निकल रही है और हम लोग एक दूसरे को और इर्द गिर्द चारों ओर के वस्तुओं को देख पाते हैं। तो जलता हुआ बल्ब भी हो गया प्रकाश स्रोत। इसके बाद लैंप, तो लैंप का अर्थ हुआ जलता हुआ लैंप, जब हम लोग जलाएंगे तब रोशनी निकलेगी, नहीं जलाने पर नहीं निकलेगी। तो जलता हुआ लैंप, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मरकरी, जलती हुई डिबिया, जलता हुआ आग, सूर्य, तारे, ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। तो प्रकाश के स्रोत किसे कहेंगे, समझ गया? जिस पिंड से प्रकाश निकलता है उस पिंड को प्रकाश स्रोत कहते हैं। तब ये बोलो सूर्य को मनुष्य ने बनाया है? नहीं, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया उसको हम लोग प्राकृतिक पिंड कहते हैं, प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा को मनुष्य ने नहीं बनाया, पृथ्वी को मनुष्य ने नहीं बनाया, समुद्र नदी जंगल पर्वत इसको मनुष्य ने नहीं बनाया, पेड़ पौधे को मानव ने नहीं बनाया। तो जिन वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा नहीं किया जाता है उसको प्राकृतिक वस्तु कहते हैं, और जिन वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है उसे कृत्रिम वस्तु कहते हैं। जैसे कुर्सी प्राकृतिक वस्तु है कि कृत्रिम? कृत्रिम, मानव निर्मित है। मानव निर्मित पदार्थ को प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। अब आओ प्रकाश स्रोत पर। सूर्य भी प्रकाश का स्रोत है, तारे भी प्रकाश के स्रोत हैं, लेकिन इन दोनों को मानव ने नहीं बनाया तो ये कैसा प्रकाश का स्रोत है? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। और ये लैंप, बल्ब, मरकरी, डिबिया, लालटेन जितने भी हैं जिसको मनुष्य ने बनाया इसको कृत्रिम आर्टिफिशियल प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसने इतनी ही बात जानना है, समझ गया होगा? चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है, सूर्य की आने वाली किरणों से चंद्रमा, सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलता है। तो ये चंद्रमा तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो चंद्रमा से टकराकर आने वाली प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है जिसके कारण चंद्रमा चमकीला दिखलाई देता है। इसको भी याद रखना, इसको समझ गया तो लिख दे। अभी जो बतलाए हैं उसी को लिखते हैं परिभाषा, और ये दो तरह के होते हैं। पहले इसको तू लोग उतार लो। देखो ये हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और ये हो गया कृत्रिम प्रकाश स्रोत, दोनों के बारे में बोल दिया है, इसको भी तू लोग लिख लो। अगला क्वेश्चन है इन दोनों को परिभाषित करना है, यानी प्रदीप्त वस्तुएं क्या है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। तो प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं बताए हैं। तो मान लो ये सूर्य है, सूर्य प्रकाश की किरणों का यानी प्रकाश का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन का मतलब होता है कम आउट, बाहर आना।
जैसे हमारा शरीर पसीन गर्मी के समय में हम लोग के शरीर से पसीना निकलता है जी, तो हम लोग कहेंगे हम लोगों का शरीर का बाह्य आवरण पसीना उत्सर्जित करता है, यानी पसीना लीक करता है, छोड़ता है, तो उत्सर्जित करने का अर्थ समझा। तो ये सूर्य जो है विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन करता है, यानी बिखेरता है, छोड़ता है। तो कुछ वस्तुएं दो तरह की होती है, एक वस्तु होता है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु का अर्थ होता है ऐसा पिंड या ऐसा वस्तु जो प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन करता है, अर्थात जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, ऐसे वस्तु को हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। और कुछ वस्तु ऐसा होता है, कुछ पिंड ऐसा होता है जिससे प्रकाश की किरणें नहीं निकलती है, ऐसी वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिन वस्तुओं से, जिस पिंड से प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होगी उसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, जैसे सूर्य, तारे, आकाशगंगा, जानता है ना, गैलेक्सी, इसके बाद आ जाओ जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लैंप, जलती हुई आग, ये सब भी तो प्रकाश की किरणों को बिखेरता है। बल्ब हम लोग लाइन देते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, अर्थात प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। जब लाइन काट देते हैं या बिजली कट जाती है तो बल्ब बुझ जाता है, इसका मतलब ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर रहा है। अगर ये रहे क्वेश्चन, बल्ब जलता हुआ बल्ब रहे तब तो ये हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु। अगर सिर्फ ये लिखा रहे बल्ब प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु, तो बल्ब मान लो नहीं जल रहा है, सिर्फ बल्ब लिखा है तो इसका मतलब नहीं जल रहा है, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। और जब ये पीछे में एक शब्द जोड़ दिया जाए, जलता हुआ बल्ब प्रदीप्त वस्तु होगा कि अप्रदीप्त वस्तु, तो जलता हुआ बल्ब प्रकाश की किरणों को बिखेरता है, प्रकाश की किरणें जलते हुए बल्ब से उत्सर्जित होता है। और परिभाषा के अनुसार वह पिंड या वह वस्तु जो प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो अब दोनों में अपने तो लोग उदाहरण दे दोगे, टेबल क्या है प्रदीप्त की अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त इंग्लिश टर्म भी लिख दिए हैं, लकड़ी, किताब, कागज, मिट्टी, पानी, ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं हैं क्योंकि प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन नहीं करता है। इसके बाद सूर्य, तारे, उल्का पिंड, जलता हुआ उल्का पिंड रात में गिरता है ना आसमान से, ये हो गया गैलेक्सी, तो ये सब हो गया। फिर जलता हुआ बल्ब, मतलब किसमें क्या उदाहरण होगा समझ गया ना, ये टॉपिक में जान नहीं है तो इसको भी हम लिख देते हैं, तो लोग उतार लेना। इसको भी परिभाषा लिख दिए हैं, इसको भी तू लोग उतार दो। और इस तरह ये दोनों हल्का क्वेश्चन है, समाप्त तो होता है, तो इसको चलो उतारो। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी पिंड को हम लोग कैसे देख पाते हैं, इसके बारे में हम तुम लोग को बतला चुके हैं ना। किसी भी पिंड को हम लोग का मतलब सिर्फ हम ही लोग नहीं, मान लो हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में अपने चारों ओर के पिंड को देख लेते हैं, क्या जानवर नहीं देखता है बोलो तो। एक सर्प है रास्ते पर खड़ा, तो रात के समय में भले ही सर्प हम लोगों को नहीं देखे और हम लोग सर्प को नहीं देखे,
लेकिन दिन के समय में मान लो एक गहमन सर्प आगे में है, जब जाओगे नजदीक में तो आक्रमण करने के लिए दौड़ता है, क्योंकि वह प्रकाश की उपस्थिति में अपने इर्द गिर्द के वस्तुओं को देख लेता है और पहचान लेता है। लेकिन कैसे देखता है? तो मान लो पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसकी आंखों पर यहाँ पर किसी पिंड को देख रहा है, मान लो एक पौधा है, ये इसको देख रहा है प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसका अर्थ है इस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें, इस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें टकराकर और हमारी आंखों तक ऐसे आती है, टकराकर वापस आती है, और इसीलिए हम उस पिंड को देख पाते हैं, पेड़ पौधा हो या कोई भी वस्तु हो। तो किसी भी पिंड को हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में तब देख पाते हैं जब उस पिंड पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें उस पिंड से टकराकर हमारी आंखों तक आती है और तब हम उस पिंड को देख पाते हैं। ये बता दिए थे ना। अब जैसे इसी में हम ये भी बताए थे, घर बैठे हम ताजमहल को नहीं देख सकते हैं या नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ताजमहल पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें ताजमहल से टकराकर हमारी आंखों तक नहीं आ पाती है। घर बैठे, घर में बैठ करके, या मान लो जिस स्थान पर हो, आगरा से, आगरा के, आगरा में है ना ताजमहल, तो ताजमहल पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें टकराकर हमारी आंखों तक नहीं आ पाती है, इसलिए हम ताजमहल को घर बैठे नहीं देख पाते हैं। तो ये सब तो चर्चा हो चुकी थी, सिर्फ लिख देते हैं इसका आंसर। क्या देखो, इसका आंसर लिख दिया है और उदाहरण में भी दे दिया है, जो घर बैठे या भारत में बैठे अमेरिका के व्हाइट हाउस को हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्या कारण है समझ गया ना? या रूम में बैठ करके रूम के बाहर के सीन को हम लोग नहीं देख पाते हैं, इसका भी कारण यही होगा। तो अब ये बता, आगे का टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? इसके बारे में वैसे हम अगले पार्ट में बतलाएंगे, लेकिन ये टॉपिक जो है ना, इंटरेस्टेड टॉपिक है। हमारे रूम में प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें नहीं आ पाती हैं दिन के समय में, लेकिन हम लोग एक दूसरे को देख लेते हैं खिड़की और किवार खुला रहने पर, और खिड़की और किवार को, वेंटिलेशन को, सबको बंद कर दो अच्छी तरह, तब दिन के समय में भी रूम में हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। जबकि रूम में प्रकाश की किरण नहीं आती है दिन के समय में, खिड़की किवार ये सब खोल दो तो एक दूसरे को देख पाते हैं। इस सब का कारण प्रकीर्णन है। थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको अगले पार्ट में रहने दो, इसको उतार लो।